हार और जीत ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार, ठान लो तो जीत। हो गया। ये शब्द है सिखो नौवे गुरु तेग बहादुर जी के। दोस्तों अभी हम आए हुए घूमने के लिए गुरु की बाग, तो आइए यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ हासिल करते हैं। ये जो गुरु का बाग है, स्थानीय नवाब हरीम बक्सर करीम बक्सर दोनों बाजू का। जब गुरु तेग बहादुर जी शाम यात्रा से वापस आए, जहाँ उन्होंने डेरा डाला, तो ये सूखा हुआ बगीचा था जो हरा भरा हो गया। उसके बाद उन दोनों भाइयों ने गुरु के नाम से ही बगीचा कर दिया और पीछे आगे वाली कर दिया। दोनों भाई थे, उनकी बेगम को और पड़ा था, और गुरु जी ने जहाँ स्नान करने के लिए पाया उन्होंने। सरोवर है। नीम के पेड़ का क्या कहानी? नीम का पेड़ गुरुजी जब वहाँ से वापस आए थे आसाम से, तो जहाँ ठहरे थे और रात उन्होंने इसकी दर्शन किया था नीम से, और उसको लगा दिया था, जिससे दर्शन का दर्शन से पेड़ था। धन्यवाद। तो आपको आप सबको मैं दिखलाता हूँ यहाँ का सीन कुछ नज़ारा, तो आइए देखते हैं। अभी हम आ चुके हैं गुरु के बाग, गुरु के बाग के अंदर, और यहाँ कुछ नज़ारा यूँ ऐसा है। यहाँ पे कुछ बोर्ड में लिखा हुआ भी, यहाँ के बारे में कुछ जानकारियाँ हैं, आप पढ़ सकते हैं। ये गुरु के बाग पटना बिहार में है। यहाँ के बगल का स्टेशन है पटना साहिब। पटना साहिब रेलवे स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है ये गुरु बाग। तो आइए अंदर का सीन आप सबको दिखाता हूँ। बता दो कि आज हम लोग सब लोग घूमने आए हैं, बेटी बेटा बच्चो हाय हाय कर दीजिए। हेलो। आइए, हम लोग अंदर में एंट्री ले चुके हैं। कुछ यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे पैर धोने का साधन है, पैर धोकर अंदर जाने का है। मैं पैर धो लिया, आप भी धो लीजिए। जैसा बताया गया था कि गुरु जी ने नीम का पेड़ लगाया था, नहीं दतुन किया था, और दतुन करने के बाद यहाँ पे रोप कर उसको गाड़ के चले गए थे, तो नीम का पेड़ बड़ा हुई। आइए आप सबको नीम का पेड़ दिखलाता हूँ। नीम का पेड़ देख रहे हैं, ये वही नीम का पेड़ है, ये शीशे के अंदर पैक है। तो ये हुआ नीम का पेड़। तो आइए चलते हैं देखने के लिए तालाब, जहाँ पे गुरु जी आकर स्नान किया था, पानी पिया था, जो खरा से मीठा हो गया। तो आइए आप सबको दिखलाने जा रहा हूँ तालाब यहाँ का। तो पहले इसको लोग कहते खरा था, अभी मीठा हो चुका है। तालाब में डॉल्फिन है, डॉल्फिन डाला गया है। सुनने मारा कि इस तालाब में डॉल्फिन भी डाला गया है, इसमें देख रहे डॉल्फिन। डॉल्फिन तो दिखाई नहीं दे रही, होगा अंदर में, अगर डाल गया हो तो। इस प्रकार का बगीचा ही होगा। बच्चू हेलो, ऊपर अंदर डॉल्फिन, ये जो गहरा है ना वो ऊपर पट्टी है कम, इसमें डॉल्फिन। बच्चो हाई कर दीजिए, जान सी करने लगी। तो चलिए चलते हैं अब बाहर। उस सामने देख रहे हैं गुरु जी का वो। आप लोग जब भी गुरु का बाग घूमना हो तो आ जाएं। अगर आप दूर से हैं,
बिहार के बाहर से हैं, मैं तो बंद बता दूँ आने का साधन, आप ट्रेन से जा सकते हैं या बस से जा सकते हैं। और ट्रेन से आना हो तो आप पटना साहिब स्टेशन है, यहाँ पे पटना साहिब रेलवे स्टेशन, वहाँ उतर सकते हैं। वहाँ उतर कर वहाँ से लगभग आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर ये गुरु बाग मिलेगा, ई रिक्शा या टेम्पो से भी आ सकते हैं आप। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर, बाहर का सीन कुछ ऐसा है। तो आइए एक बार फिर से मैं आप सबको दिखा देता हूँ बोर्ड, इस पर पूरी जानकारियाँ इस पर लिखी हुई है। हम पढ़ लीजिएगा, गुरुबाग बाग आप जब भी घूमने आए अपने साथ रुमाल जरूर लेकर आए, और 2 पर्सन हैं तो 2 रुमाल लेकर आए, मतलब सर पे कपड़ा रखना होता है।